नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नंदिनी। मेरे चैनल गेट से डेकोरेट में आप सभी का स्वागत है। If I was smart, I'd find you a star, and we could be in love, lighting up the dark. But there's nothing I can do, I can never get to you. So I'm looking for a miracle, like if somebody be so beautiful. वही बनाएंगे, ये एक फ्लावर स्टैंड बनाएंगे, तो बहुत ईजी है, 2 मिनट में बन जाएगा। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए मैं पहले बता दूं आपको। तो इसके लिए चाहिए जो वाल पेपर हम लोग मंगाते हैं जो ख़त्म हो जाता है, तो इस तरह से ये रोल जो होता है ये बच जाता है, इसको फेंकिए मत, ये भी बहुत काम का चीज़ है। इससे बनाएंगे हम, बस यही चाहिए एक, और हमें व्हाइट सीमेंट चाहिए, और ये 2 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और बस 10 रुपये में ये बन जाएगा और 2 मिनट में बन जाए रेडी हो जाएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और जो दूसरा DIY भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है, ये जो है आप देख रहे हैं, ये जो है, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक स्टूल है जो मैंने बनाया है। उस ये देखिए, ये जो स्टूल है, ये इसके ऊपर कुछ भी डेकोरेशन का सामान आप रख सकते हैं, मैं आपको सजा के भी दिखाऊंगी। और इस तरह से मैंने ना 3 लेग लगा दिया है इसमें। अगर आपके पास कोई भी एक, आप इसका साइज आप अपने हिसाब से रखिए, कितना लंबा चाहिए कितना छोटा, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर रख दिया है। अगर छोटा स्टूल बनाना चाहते हैं तो छोटा रड लगाइए, और लंबा बनाना चाहते हैं तो इस तरह से लंबा वाला ले लीजिए, और मीडियम बनाना चाहते हैं तो मीडियम वाला ले लीजिए इस तरह से। तो मैं ये वाला बनाना चाहती बनाऊंगी आज, ये लंबा वाला तो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, तो अभी ये बीच वाला, ये वाला बनाऊंगी। और ये जो रॉड आपको लग रहा होगा, इतना सारा रॉड जो ये स्टील का रॉड है, क्योंकि मेरे पास एक फोल्डिंग रैक था जो कि अभी कुछ काम का नहीं है, वो काम का ही नहीं था बिल्कुल भी, तो उसी का जो रॉड है तो ये मैंने खोल के रख लिया है, और इसे कुछ ना कुछ मैं बनाती रहती हूँ। तो चलिए बनाते हैं, बस 2 मिनट में हमारा ये 2 DIY बन के रेडी हो जाएगा, और बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही अच्छा बनेगा, और कोई भी बना सकता है, बहुत तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, और बहुत आसानी से बहुत ईजिली बन जाएगा, और बहुत भी सुंदर लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है 1 किलो का जो व्हाइट सीमेंट, ये 40 रुपये का होता है, इसका करेंगे सारा यूज करने की जरूरत नहीं होगा। ये जो स्टैंड बनाएंगे हम लोग, तो इसे निकाल लेती हूँ मैं, देखती हूँ कितना लगेगा। अगर 1 किलो भी लग जाता है तो कोई नहीं, 40 रुपये ही है इसका दाम, ज़्यादा तो नहीं है। तो मैं निकाल के इसको ना पानी में घोल बना लेंगे इसका, तो मैं घोल बना लेती हूँ। देखिए ये मैंने घोल बना लिया है, पूरा एक पैकेट जो 1 किलो था ना, पूरा सारा मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि इसमें ना दोनों ही DIY हमारा काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा एक पैकेट 40 रुपये का मैंने इसमें इसका घोल बना लिया है। तो अभी ये देखिए, इस तरह से ना, कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर है आपके पास, जो खाना हम लोग मंगाते हैं ना, कोई भी है, कोई भी साइज़ का आपको अगर चाहिए तो ले लेना है। इसमें मैंने तेल डाल दिया है, तेल को चारों तरफ मैं लगा दूँगी। और ये देखिए, ये जो बेस है ना, ये फ्लावर स्टैंड जो हम लोग बनाएंगे, ये जो बेस है, ये बेस इसी से बनेगा। तो ये जो है इसको चारों तरफ लगा लेते हैं, नहीं तो क्या होगा, ये चिपक जाएगा हमारा व्हाइट सीमेंट और निकलेगा नहीं। तो चलिए चारों तरफ मैं लगा देती हूँ उसको, मैं तेल लगा रही हूँ अच्छे से, चारों तरफ तेल को लगा दिया मैंने। और ये जो है हमने घोल बनाया था, ये घोल में डाल दूंगी अभी। देखिए घोल मैंने डाल दिया है, इसको, और ये जो हमारा रोल है, ये रोल को मैं यहाँ पे बीच में लगा दूंगी इस तरह से, और इसको एज इट इज हमें छोड़ देना है रात भर के लिए। और सुबह इसको ये करेंगे, हिलाना नहीं है डुलाना नहीं है, बस इसको बीच में इस तरह से हमें छोड़ देना है। और ये जो हमारा जो फ्लावर स्टैंड बना रहे हैं ना, इसको चम्मच के सहायता से यहाँ पर ना, इसके अंदर भी थोड़ा सा 3-4 चम्मच डाल देंगे, तो ये और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इस तरह से अंदर डाल देना है,
तो ये देखिए बस 2 मिनट में हमारा रेडी हो गया है, एक DIY और दूसरा वाला भी बहुत ही जल्दी रेडी हो जाएगा। तो चलिए दूसरा वाला भी शुरू करते हैं, इसको साइड में कर लेते हैं अच्छे से। तो दूसरा DIY बनाएंगे तो टेबल टॉप जो हम लोग बनाएंगे, उसका जो स्टूल का टॉप जो हम लोग बनाएंगे, तो कितना साइज आपको बड़ा वाला चाहिए या छोटा वाला चाहिए उसी के हिसाब से आप कोई भी बर्तन ले लीजिए। ऐसा धार वाला होना चाहिए साइड में, तो हम जब डालेंगे इसमें हमारा सीमेंट तो ये ना अच्छे से इसका साइड में भी अच्छे से इसका लुक आ जाए। तो इस तरह से बड़ा वाला भी ले सकते हैं आप, छोटा वाला भी ले सकते हैं, और थोड़ा सा मोटा करेंगे, पतला करेंगे तो ये टूट जाएगा। तो ये देखिए मैंने ये जो छोटा वाला प्लेट ले लिया है और इसमें अच्छे से इस तरह से पॉलिथीन डाल दिया है मैंने प्लेट के ऊपर, तेल नहीं लगाया है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पॉलिथीन, आप जितना भी तेल लगाओ ना वो निकलता नहीं है, तो पॉलिथीन सेफ्टी के लिए मैंने डाल दिया है यहाँ पे, ये देखिए। और यहाँ पर ये लेग लगा देंगे, तीनों लेग को इस तरह से लगा लेना है। और इस तरह से रात भर इसको छोड़ देना है। और देखिए बस 2 मिनट में हमारा DIY रेडी हो चुका है, बस रात भर छोड़ना है और सुबह ये हमारा रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो हमारा स्टूल बन रहा है ना, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा करके इस तरह से सपोर्ट देते हुए इनको रख दिया है, इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा रखा है, ज्यादा ओपन करके इस तरह से। और जो मेरा फर्स्ट वाला था ना, ये मैंने सीधा सीधा इस तरह से रखा है, मैं आपको उल्टा करके भी बताती हूँ। ये देखिए इसको मैंने ना सीधा रखा था है, इस तरह से पूरा सीधा, लेकिन इसको ना थोड़ा सा टेढ़ा करके इस तरह से सपोर्ट करते हुए रख दिया। तो फिर चलिए मिलते हैं सुबह, देखते हैं कि हमारा ये कैसा होता है। ये देखिए हमारा ये सुबह हो चुका है और अभी मैं इसको निकालूंगी। और देखिए बहुत ही आराम से इसमें प्लास्टिक के कंटेनर में करते हैं, किसी भी प्लास्टिक की ऐसे ना बहुत आसानी से ही निकल जाता है। ये देखिए कितना आसानी से निकल गया है, और नीचे भी आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ये हो गया है, ये देखिए। और ये बहुत ही स्ट्रांग हो गया है, अंदर से भी हमने डाला था सीमेंट ना, तो ये देखिए कितना अच्छा स्टैंड हमारा बन के रेडी हो गया है, एक फ्लावर स्टैंड। और यहाँ आप चाहें तो इसको कलर कर सकते हैं, ये तो कलर करेंगे ही करेंगे, और नीचे भी आप चाहें तो व्हाइट रख सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया था पहले। तो ये हमारा रेडी हो चुका है फर्स्ट DIY, जो कि 2 मिनट में हमने बनाया था, बस छोड़ दिया था रात भर के लिए। और देखिए कितना अच्छा, 0 बजट, ये बस 10 से 15 रुपया का ही सीमेंट होगा। और ये देखिए व्हाइट सीमेंट, और हमारा रेडी हो चुका है ये। और दूसरा DIY जो हमने बनाया था, ये देखिए ये भी रेडी हो चुका है, ये जो हमने स्टूल बनाया है। तो ये मैंने एक थाली के ऊपर पॉलीथीन डाल दिया था ना, अभी इसको निकालेंगे, क्योंकि एक बार मैंने बनाया था स्टील में, स्टील की थाली में तेल वेल लगा के, लेकिन निकला नहीं वो, तो मुझे उसको ना, तो इसको इस तरह से देखिए बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है, छोटा छोटा टुकड़ा जो है ना वो तो झड़ जाएगा, बाकी ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। चलिए मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना आसानी से ये निकल गया, बस यहाँ पर मैंने जॉइन डाला था ना पॉलीथीन में, तो ये अंदर फंस गया है बस। ये देखिए इसको निकाल लेते हैं, और ये देखिए कितना अच्छे से यहाँ पे इसको ना काटना पड़ेगा, और देखिए कितना अच्छे से हमारा ये स्टूल रेडी हो गया। यहाँ पर आप चाहे तो कलर कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे व्हाइट रख सकते हैं, और इसको ऐसे रख कर भी देखते हैं कितना आसानी से, देखिए बहुत ही सुंदर सा एक स्टूल रेडी हो गया है। मैं आपको ऊपर से भी दिखाती हूँ, और ये देखिए ये स्टूल
बिल्कुल, कितना अच्छा, बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है, बहुत बढ़िया है। ऊपर आप कोई भी डेकोरेशन के पीस रख सकते हैं, गमला रख सकते हैं, प्लांटर रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। और साइड से भी देखिए, आपको अगर ये अच्छा नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा आप ना सैंड पेपर से भी इसको आप घिस सकते हैं, लेकिन मैं नहीं घिसूंगी। और इसके ऊपर आप कलर कर सकते हैं, किसी भी वाल पेपर को भी चिपका सकते हैं, कोई भी पिक्चर आप इसमें गम के सहारे चिपका सकते हैं, अच्छा लगेगा। मैं इसको ऐसे ही व्हाइट रखूंगी, कोई कलर नहीं करूंगी। अब चाहे तो ऊपर व्हाइट करके साइड में बॉर्डर में भी कलर डाल सकते हैं, कोई अच्छा सा डिजाइन भी बना सकते हैं, बॉर्डर डिजाइन। और देखिए ये भी हमारा ना बिल्कुल रेडी हो चुका है, कितना अच्छा, बहुत स्ट्रांग है। देखिए मैं इसे ऐसे ही हाथ से पकड़ रही हूँ और ये गिर भी नहीं रहा, बहुत ही अच्छे। इसको भी कलर कर दीजिए इस तरह से। दोनों हमारा दोनों स्टूल देखिए रेडी हो चुका है, दोनों जो DIY है हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए, ये मेरा बड़ा वाला और छोटा वाला, दोनों कितना सुंदर दिख रहे हैं। और ये जो प्लांटर है, ये देखिए, ये दो प्लांटर कितना बढ़िया। और ये जो है ना, ये बहुत लंबा वाला मैंने यहाँ पर लगाया है इस तरह से। ये फ्लावर जो है, ये देखिए इस तरह से इसमें आप लगा दीजिए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कहीं पर भी आप इसको रख दीजिए। यहाँ पर रख कर देखते हैं, ये देखिए, देखिए कहीं पर भी आप रख सकते हैं, बहुत ही पतला है ना जो स्टैंड हमने बनाया था, तो ये कहीं पर भी किसी के भी अंदर ये आप अच्छे से रख के आप इसको ना सजा सकते हैं। देखिए तो ये कैसा लगा मेरा दोनों DIY, आप मुझे जरूर बताना कमेंट करके। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। इसके अंदर जब हम लोग सीमेंट डालते हैं ना, व्हाइट सीमेंट जब मैंने अंदर डाला था, ज़्यादा मत डालिएगा नहीं तो अंदर भर जाएगा और हम लोगों का ये जो है ना, ये अंदर ज़्यादा अंदर नहीं जा सकता है, ऊपर ऊपर ही रह जाएगा, तो इसलिए ज़्यादा मत डालना, बस 2 से 3 चम्मच ही डाल देना, स्ट्रांग हो जाएगा। और ज़्यादा मत डालने से ये ना इस तरह से ऊपर रह जाएगा अगर भर देंगे इसको तो। अब देखिए इस तरह से ना, दो स्टूल को भी इस तरह से रख के एक साथ इस तरह से आप सजा सकते हैं। ये देखिए, अगर बाजार से लेने जाएंगे तो कितना कॉस्टली आता है आपको पता है, लेकिन कितने अच्छे से 2 मिनट में हमने बहुत ही सस्ते में बना लिया हमारा दो स्टूल। ये देखिए, कहीं पे भी कैसे भी आप सजा सकते हैं, आप कलर कर लीजिए ऐसे भी व्हाइट में रख के। व्हाइट में रहने से क्या होता है ना, हर किसी के साथ मैच करता है, तो हमें और चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मुझे व्हाइट ज़्यादा पसंद है तो मैं व्हाइट में ही रखती हूँ। और देखिए बहुत ही सुंदर लगता है, ये कोना जो है कितना अच्छा लग रहा है। ये जो स्टूल है हमने बनाया था ना, अगर आप कलर करना नहीं चाहते हैं तो किसी भी इस तरह से कार्डबोर्ड के ऊपर, कागज के ऊपर कलर कर लीजिए और इसके ऊपर इस तरह से रख लीजिए और इसको आप सजा दीजिए इस तरह से। भी सजा सकते हैं आप चाहें तो इस तरह से, कितना अच्छा लग रहा है। और अगर आपको पसंद नहीं है तो इसको निकाल लीजिए और ऐसे व्हाइट में ही आप इसको कलर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे व्हाइट में भी आप इसको सजा सकते हैं इस तरह से। देखिए कौन सा वाला ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा है। You deserve better than me. और ये देखिए, यहाँ पर छोटा सा जगह है, हमारे इसके साइड में कितना छोटा जगह है। यहाँ पर मैंने ना वो जो हमने फ्लावर स्टैंड बनाया था, अंदर डाल के इस तरह से फूल लगा के फेरी लाइट लगा दिया है। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है, तो आप भी बनाइए और अपने घर को सजाइए। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।